नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु विज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे साधारण सा दिखने वाला धनिया आपको बनाएगा धनवान। दोस्तों, दीपावली भी पास आ रही है और आज मैं आपको दीपावली पे धनिया से जुड़े कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ, जिन्हें करके आप साल भर अपनी आर्थिक तंगी को दूर रख पाएंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, धनिया शब्द का निर्माण धन से हुआ है। धन और धनिया, ये आपस में मिलते जुलते हैं। धन से धनिया शब्द निकला है, इसलिए दोस्तों धनिया का संबंध धन से होता है। और अगर धनिया का संबंध जब धन से है तो माँ लक्ष्मी से भी होता है, क्योंकि दोस्तों धन माँ लक्ष्मी से संपर्क रखता है, इसलिए धनिया का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। साधारण सा दिखने वाला धनिया माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धनिया बेहद पसंद होता है, इसलिए धनिया के उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी और उनकी कृपा मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धनिया का बीज धन का प्रतीक होता है। दोस्तों, धनिया बहुत ही सस्ती चीज़ है और आसानी से हर किसी की रसोई में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। दोस्तों, इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो साबुत धनिया दीपावली से पहले खरीदना आपको सोना चांदी खरीदने से कई गुना ज़्यादा लाभ दिलाता है। दोस्तों, धनतेरस पर आप साबुत धनिया खरीदकर अपने घर ले आइए और उस धनिया को आप दीपावली तक अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, दीपावली वाले दिन आप साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए, उनका ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करिए, हे माँ, आप पूरे साल भर हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और उसके बाद आपको दोस्तों इस धनिया को दीपावली के दूसरे दिन दो बराबर भागों में बांट लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक भाग को लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। और दोस्तों, बचे हुए दूसरे भाग को आपको गमलों में लगा देना चाहिए और उनमें रोज़ पानी डालते रहिए ताकि उसमें से पौधे निकल पाएँ। दोस्तों, उस जो पौधे निकलेंगे वो आपकी भविष्य में आर्थिक तंगी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दोस्तों, अगर पौधा अच्छा निकले, हरा भरा निकले, तो समझ जाइए कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर पौधे ना निकले या फिर पौधों में पीलापन हो, खराब पौधे हों, तो इसका मतलब भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, आर्थिक तंगी से बचने के लिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दीपावली तक, अभी से लेकर दीपावली तक बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया जरूर खिलाइए और गाय के ऊपर हाथ भी फिराइए, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। हरा धनिया हर बुधवार को अभी से दीपावली तक गाय को खिलाएंगे तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ज की। जिन लोगों का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, वो चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं चुकाने की, पर अभी तक वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे। दोस्तों, रात को सोने से पहले आप अपने सिरहाने थोड़ा सा धनिया रख लीजिए। साबुत धनिया की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, साबुत धनिया थोड़ा सा रख लीजिए अपने सिरहाने। जब दोस्तों आप सुबह सोकर उठेंगे तो उसे किसी भी नदी में प्रवाहित कराइए। दोस्तों, अगर आप ये उपाय ऐसा करें कि मंगलवार के दिन आप अपने सर के नीचे यानी सिरहाने धनिया को रखें और बुधवार के दिन प्रवाहित कराएंगे नदी में, तो दोस्तों 100% आपको अपना कर्ज चुकाने में सहायता मिलेगी। इस उपाय को आप जरूर करें, आपको कर्ज से निजात 100% मिलेगी। और माँ लक्ष्मी से आप यही विनती करें इस दीपावली, हे माता, आप हम पर अपनी कृपा कीजिए और हमारे दुख संकटों को दूर करिए, हमारा कर्ज भी चुका दीजिए।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कर्ज के बारे में। अगर दोस्तों कितनी भी मजबूरी हो आपकी, कितने भी परेशान हो आप, तो कभी भी भूलकर मंगलवार के दिन कर्ज ना लें, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। क्योंकि दोस्तों मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज बहुत ही मुश्किलों से आप चुका पाते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप मंगलवार के दिन किसी से कर्ज उधार ना लें। और दूसरी बात दोस्तों कि आपको बुधवार के दिन किसी को कर्ज देना नहीं है, मंगलवार के दिन लेना नहीं है और बुधवार के दिन देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आप लोगे तो आप चुका नहीं पाओगे, और अगर आप बुधवार के दिन किसी व्यक्ति को कर्ज दोगे तो वो पैसा आपका मारा जाएगा, आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा, वो व्यक्ति आपके पैसे देने में कतराएगा और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप ये पैसों के नियम याद कर लीजिए। इत है दोस्तों, आपको धनिये के ये उपाय बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें ज़रूर आजमाइए। दोस्तों ये दीपावली के महा उपाय आप ज़रूर करिए और आप भी इनका फ़ायदा उठाइए। लक्ष्मी सदैव आप पर मेहरबान रहे। जय मां विंध्यवासिनी।